क्या है ये अग्निपथ स्कीम, और ये स्कीम के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे आज। ये स्कीम क्यों क्यों ये स्कीम के लिए आज इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, तो चलिए हम चलते हैं और दिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि इसकी पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी। तो देखिए, बने रहिए मेरे वीडियो में। जय हिंद। आप में से बहुत से लड़कों ने कमेंट कर करके ये बात पूछा कि सर टूर ऑफ ड्यूटी को अच्छे से समझा दीजिए। तो चलिए समझते हैं हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। देखिए, जो आर्मी है इसकी दो सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए। सबसे पहला कि आपकी आर्मी एक्टिव होनी चाहिए, दूसरा कि आर्मी को यंग रखना जरूरी है, जवान रखना चाहिए आर्मी को। इसलिए आर्मी के जवानों को बहुत ही जल्दी रिटायर कर दिया जाता है और रिटायर के बाद उन्हें पेंशन भी दिए जाते हैं। पेंशन के बोझ को कम करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी को लाया गया। तो समझते हैं हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में डिटेल से। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आर्मी में जाने, अब आर्मी जो नया प्लान कर रही है वो टूर ऑफ ड्यूटी ये 3 साल के लिए होगा। अभी इस पर कोई ऑफिशियल बात नहीं हुई है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, लेकिन हमारे जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उन्होंने इस ओर इशारा किया था कि टूर ऑफ ड्यूटी का प्लान चल रहा है, तो ये 3 साल के लिए आर्मी में आना होगा। अभी हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। अब हमारे देश में कुछ और भी समझिए, हमारे देश में कुछ टेरिटोरियल आर्मी है। टेरिटोरियल आर्मी उसे बोला जाता है जिन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, भैया आपको जो काम करना है करिए, और जब युद्ध होगा ना तब उन्हें बैकअप के लिए बुला लेते हैं। ऐसा इनवर्स इंडक्शन करना चाह रही है आर्मी। इनवर्स इंडक्शन के तहत क्या करना चाह रही है कि जो CRPF या फिर पैरामिलिट्री में है, जो ड्यूटी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई BSF में है, कोई CRPF में है, कोई PSC में है, कोई बिहार मिलिट्री पुलिस BMP में है, इस तरह से है, या पुलिस के जवान है, तो उनमें से आर्मी का क्या कहना है कि भैया जो उनमें से तेज तर्रार जवान है ना, उनको हम क्या करते हैं, सेना में लेते आते हैं। कहते हैं कि भैया एक काम करो, तुम चलो 5 साल के लिए तुम सेना में चलो, 5 साल तुमको सेना में ड्यूटी कराते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ले आ देंगे, उन्हें भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, पूरा फौजी बनाया जाएगा और फिर सेना में लाएंगे। 5 साल बाद उन्हें कह दिया जाएगा भैया आप जहाँ थे, जैसे पुलिस में थे तो पुलिस में चले जाइए और हमसे पेंशन मत मांगिए, क्योंकि हम आपको 5 साल के लिए ना बुलाए हैं। मैंडेटरी सर्विस हमारे देश में नहीं है, इसराइल में है। क्या कि इसराइल में आपको लगभग 2.5 साल सेना में जाना ही जाना है। हम ये नहीं कर सकते मैंडेटरी सर्विस, क्योंकि एक जवान को ट्रेनिंग करने में काफ़ी खर्च आते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इतने बड़ी जनसंख्या को हम मैंडेटरी सर्विस या मैंडेटरी आर्मी सर्विस के लिए ट्रेनिंग दे सके। तो हमारी बात चल रही है किस पर, टूर ऑफ आर्मी पर, टूर ऑफ ड्यूटी पर। इसके तहत केवल 3 साल के लिए लाया जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर 3 साल में फायदा क्या हो। देखिए, मान लीजिए अगर इस साल 1000 लोगों को भर्ती किए, फिर अगले साल 1000 लोग, फिर अगले साल 1000 लोग, 3 साल में हमारे पास कितने हो गए, 3000। अब अगले साल तो जो पहले आए थे वो तो रिटायर होंगे, फिर 3000 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास हमेशा एक रेगुलर आर्मी बनी रहेगी और ये आर्मी को हमें क्या नहीं देना पड़ेगा, पेंशन भी नहीं देना पड़ेगा। अभी हम पेंशन पे आएंगे, चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे समझते हैं टूर ऑफ ड्यूटी में, ध्यान से समझिए इस टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में समझिए। ये एक तरह का इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप क्या होता है कि आपको किसी खास काम के लिए और खास फिक्स समय के लिए जब बुलाया जाता है तो उसे इंटर्नशिप कहते हैं। इससे सेना हमेशा जवान रहेगी, यंग रहेगी। जैसे मान लिया कि हमने 1 साल के लिए 1 लाख लोगों को किस में भर्ती किया, टूर ऑफ ड्यूटी में, एक इस साल भर्ती किया, फिर अगले साल 1 लाख को भर्ती कर लेंगे, फिर अगले साल 1 लाख को कर लेंगे, यानी 3 लाख हमारे पास आ गए सब। फिर अगले साल इधर 1 लाख को रिटायर करेंगे तो फिर 1 लाख को भर्ती भी तो कर लेंगे, और जिसको हम रिटायर किए हैं उसको तो पेंशन देना नहीं है कि भैया हम 3 साल ड्यूटी कराए हैं। अब ध्यान से समझिएगा जी, ऐसे करके हमारे पास 3 लाख का स्टॉक बचा और ये 3 लाख की जो आर्मी है एकदम यंग है, 18 साल के लड़कों को भर्ती करेंगे, 18, 19, 20, 21, तो ये 3 साल का, 18 से 21 साल के लड़कों को शादी ब्याह नहीं हुआ रहता है, एकदम यंग गर्म खून रहता है। अब बॉर्डर के फ्रंट लाइन पे खड़ा करेंगे ना, देशभक्ति राष्ट्रवाद तो कूट कूट के भरा है, समझ में। अब जैसे कोई परिवार वाला आदमी है, सेना हमारी हर उम्र के जवान बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन जो 40-50 साल एज हो गया उन पे जिम्मेदारियां हैं, उनके बाल बच्चे हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी हमारे लिए लड़ते हैं, तो एक उनके ऊपर जिम्मेदारी है। एक वो जो नया नया छोड़ा जाता है, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, ना आगे ना अपना पीछे पगा, गोली चलाया रे तुम हम पे, एक वो चलाएगा हमसे चूरा बम मार देंगे यहाँ पे। तो ये आर्मी को यंग रख सकते हैं, इससे आर्मी को डबल फायदा।
कि आर्मी हमेशा यंग रह गई और जो रिटायर हुए उन्हें सैलरी भी नहीं देना है, और आर्मी कम भी तो नहीं होगी ना भैया, हर साल हम एक एक को रखे रहेंगे, हमेशा हमारे पास 3 लाख की एक टूर ऑफ आर्मी की, टूर ऑफ ड्यूटी की फौज बड़ी रहेगी, समझ में आया कि नहीं आया। अब आप कहिएगा कि सर वो जो 3 साल बाद रिटायर कर देंगे और उसको पेंशन भी नहीं देंगे तो लड़का कहाँ जाएगा। तो देखिए भैया, इसमें सेना विचार कर रही है कि हम इस तरह से एंट्री कराएंगे कि जैसे कोई लड़का ग्रेजुएट हो गया है तब आओ भैया 3 साल ड्यूटी करो, क्यों पड़ी। अब आप कहिएगा यहाँ एक निगेटिव पॉइंट ये आता है कि अगर हम 3 साल ड्यूटी करा के निकाल देते हैं तो जितने भी आएंगे हमारी सेना यंग तो रहेगी लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। देखिए, जवान रहना भी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस का भी रहना ज़रूरी है, कहीं कहीं जोश और जुनून काम नहीं आता है, एक्सपीरियंस काम आता है। तो इसीलिए आर्मी विचार कर रही है कि हम अपनी आर्मी में 40% 30-40% फौज को टूर ऑफ ड्यूटी के तहत रखेंगे ताकि ये लोग जवान रहें, और बाकी 60% फौज हम फुल परमानेंट सर्विस वाले रखेंगे ताकि इनके पास एक्सपीरियंस रहे। तो आर्मी हर तरह के मैटर पर विचार कर रही है, याद रखिएगा अभी ये विचार हो रहा है, कन्फर्म अभी नहीं हुआ। देखिए अब ध्यान से, ये एक तरह का इंटर्नशिप उसे कहते हैं जो एक फिक्स टाइम के लिए आपको बुलाया जाता है। इसमें वर्दी भी मिलेगी, खूब बढ़िया भाई, सेना की वर्दी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। आपका बढ़िया बढ़िया ब्रांड, जो हज़ारों रुपए के आप जो ब्रांड पहनते हैं ना, उस ब्रांड की कोई कीमत नहीं है अगर आपके बगल में कोई बंदा वर्दी पहन के इंडियन आर्मी का उस पर लोगो बना हो पहन के खड़ा हो जाए तो सारा आपका ब्रांड बर्बाद हो गया उस आर्मी के वर्दी के बाद। तो एक वर्दी भी मिलेगी, रैंक भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा तो भैया पेंशन नहीं मिलेगी। सारा बवाल तो पेंशनें कम करने के लिए हो रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो पेंशन नहीं मिलेगा आपको, क्यों पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पेंशन देने के लिए कम से कम आपको 17 साल की ड्यूटी करनी रहती है, इसमें तो ओवरऑल 3 साल की ड्यूटी ही है।